शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खैर, हम भी कहाँ बातें लेकर बैठ गए। आज हमारी बेटी का संगीत है। सबको सजाओ, कहे के आज की महफिल तो तुम ही सजाओगी। नाच गाना सब तुम्हीं को तो करना है। अपनी बहन के लिए और अपने पति के लिए हम चलते हैं। हमें बहुत तैयारियां करनी है। श्रावणी बेटा, तुमने ये सब हमारे लिए किया, हमारे लिए अपनी खुशियों की आहुति देने चली हो। क्यों बेटा, क्यों? जाने दो हमें जे, हम जी लिए हमें जितना जीना था, अब तो हम बस अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। नहीं माँ, क्या बोल रही आप, हम ऐसा नहीं कर सकते। विश्वास रखिए माँ, हमें ना देवी माँ पर पूरा विश्वास है। देखिएगा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, हमारी मदद जरूर करेंगे। मशरूम भैया कहाँ रह गए? हाँ भाभी जी, यूँ अचानक आपने बुलाया? हाँ मशरूम भैया, आपसे एक बहुत जरूरी काम है, सिर्फ आप ही कर सकते, प्लीज। हाँ बोलिए भाभी जी, क्या हुआ? आपको चंदा ताई जी के कमरे में जाना है। देखिए, उनके कमरे में बस आपको वो ढूंढना है और हमें ला कर देना है। यूँ समझ लीजिए भैया कि अगर वो सबूत हमारे हाथ लग गया ना, तो हम शिवांश को दोबारा पा सकते हैं। प्लीज भैया। ठीक है भाभी जी, वैसे आपको एक बात बताएं, भैया जो ये शादी की ठान के बैठे हैं ना, हमने ये तय किया था कि उस घर में हम कभी पांव तक नहीं रखेंगे, लेकिन आज आपके लिए हम उस घर में जरूर जाएंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। भैया सुनिए, आज रात को संगीत है घर में, किसी का भी ध्यान नहीं होगा, आप चुपचाप चंदा ताई जी के कमरे में चले जाइएगा। ठीक है भैया? हाँ हाँ भाभी जी, हम समझ गए, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू, हम चलते हैं। हाँ हाँ हम आप लोगों को मिलवाते हैं, आज हमारे शाम के चीफ गेस्ट हमारी बेटी स्वीटी और हमारे दामाद शिवांश से। भाई आज की शाम इनके नाम। बधाई हो आप सबको। अम्मा जी आपको बधाई हो। हाँ हाँ संगीत की बधाई हो। ये कितनी सुंदर लग रही है तुम दोनों में, बहुत बहुत बधाई हो सिंबू स्वीटी तुमको भी। हाँ अरे बैठो तुम लोग। अरे श्रवणी, नए जोड़े को बधाई नहीं दोगी? हमने श्रवणी को जिम्मेदारी दी है आज रात को रंग जमाने की, है ना श्रवणी? अरे गाना बजाओ भाई। अब हम भी बजाते हैं, रुको। कैसे आंखें चार कर लूं, कैसे एतबार कर लूं, अपनी धड़कनों को कैसे इतना बेकार।
तुझसे प्यार कर दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे किसी की मेहरारू को अपने ही पति की दूसरी शादी पे नाचते हुए देखा है चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं कोई नहीं है कोई नहीं है अभी दरवाजा खुला है बड़की ठकुराई ने गलती से देख लिया तो चटनी बना देगी बंद कर ये बड़की ठकुराइन सबूत कहां छुपा सकती है यार ये सबूत तो मिल ही नहीं रहा कहां ढूंढे सबूत को चार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे इंस्पेक्टर साहब जी बोलिए हम अपना जुर्म कबूल करने आए हैं हेलो हम लक्ष्मी नगर पुलिस थाने से बोल रहे हैं आप वसुधा सिंह को जानती हैं? जी उन्होंने थाने में आकर आत्मसमर्पण कर दिया इनका कहना है कि इन्होंने अपने पति का कत्ल किया क्या माँ ने आत्मसमर्पण कर दिया शिवांश को बताना होगा लेकिन जो बात शिवांश से छुपाने के लिए हमने ये सब किया
अब वही बात शिवांश को इस तरह पता चलेगी कि उसकी माँ ने ही उसके पिता को मारा है, तो वो और भी टूट जाएगा। क्या बात है श्रवि, क्या महफिल सजाई है तुमने। बैठो बैठो, आओ दोनों। अम्मा जी जरा इसे छू दीजिए, काहे कि इन लोगों की नजर तो उतार दे, इसे की नजर ना लगे। तुमने शिवांश और स्वीटी का रिश्ता स्वीकार कर लिया और अपने पति को आजाद कर दिया। किसी समझदार इंसान ने कहा, जिसे प्यार करो ना उसे आसाद छोड़ दो, अगर चला गया तो आपका कभी था ही नहीं, और जो आपका है वो कहीं जाएगा ही नहीं। फिक्र तो उन्हें करनी चाहिए जो छल और कपट से प्यार को बंदी बना देते हैं। आप बात कही है, वाह। अच्छा नाचे तुम लोग, हाँ? शरवनी कहाँ जा रही है? पीछा करो उसका, पीछा करो उसका। ये सब आपने क्यों किया? हम संभाल रहे थे ना सब कुछ। नहीं बेटा, इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, ये हमारा ही बोझ है, ये हमें ही ढोना पड़ेगा। लेकिन माँ। बेटा तुम समझ नहीं रही हो, इस राज का खुल जाना ही ठीक है, नहीं तो चंद्रा कभी शिबू को कभी तुम्हें अपने हाथ की कठपुतली बनाकर नचाती रहेगी। सिर्फ इसलिए कि शिबू को सच नहीं पता, इसीलिए हमने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब चंद्रा के पास कोई हथियार नहीं है, अब तुम शिबू को बेफिक्र होकर वो सबूत दे दो जिससे तुम्हारी शादी टूटने से बच जाए। सच तो मुझे अभी भी नहीं बता सकते माँ। क्यों श्रवणी? क्योंकि आपने अभी केवल हमारे बारे में सोचा, शिवांश के बारे में नहीं। ऐसे ही वो अबॉर्शन की गलत फहमी को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हें लगता है कि हमने उन्हें धोखा दिया है। जब अब ये पता चलेगा कि बचपन से वो जिसे अपना हीरो मानते आए हैं, उनके पापा उनको आपने गोली मारी है, तो वो टूट जाएगा माँ। इतना प्यार करती हो शिपू से कि तुम्हें चंद्रा के हाथ की कठपुतली बन के रहना मंजूर है,
लेकिन शिबू का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ। किस मिट्टी की बनी हूँ? क्या हो जाएगा? हमसे नफरत करेगा? करने दो, और इससे तुम दोनों के बीच की गलतफहमी तो दूर हो जाएगी। नहीं माँ, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप शिवांश की माँ है, शादी से बड़ा रिश्ता है हमारा आपसे। ये खिलवा कहाँ रहे, जब फोन ही नहीं उठा रहा है ना, फोन कर रहा है। पढ़ के ठकुर है, तुम पर फोन कहीं नहीं लग रहे। अरे हमारा फोन बंद है, वो बैटरी चली गई ना, अब क्या करें। तो वो तो छोड़िए, सुनिए मामी वसुधा, सब पलट गया। वसुधा आंटी ने सब गुनाह कबूल कर लिया। अब तो श्रवणी को कोई भी डर नहीं। वो तो अब सीधे नर्स के पास जाएगी और वो सब भांडा फोड़ देगी। सबको पता चल जाएगा कि आपने उसके बच्चा गिराने के लिए साजिश की थी। शिवांश तो ये शादी तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लेगा। नहीं 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 मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता मम्मी, बार बार ऐसा नहीं हो सकता। शादी के मंडप से छोड़ के चला गया वो दो बार मम्मी, इस बार नहीं हो सकता ऐसा मम्मी, आप कुछ करो ना मम्मी। तो बेटे हम हैं ना, बार बार ऐसा हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं होगा, और तुम हर बात पे बौखलाना बंद करो। आज तक करते आए ना तुम्हारे लिए सब कुछ, फिर से करेंगे। चुप, हमने सोच लिया है, अगर हम रहेंगे तो सब कोई साथ रहेंगे, वरना नहीं। बेटा, चंद्रा को कभी जीतने मत देना, बिल्कुल नहीं। ठीक है माँ, हम आज ही शिवांश को फोन करेंगे, उसे मिलने के लिए कहीं बुलाएंगे और उसे पूरी बात समझाएंगे, उसे बताएंगे हम क्या आपने ये सब कुछ किन हालातों में किया है। पूरी कोशिश करेंगे माँ, और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। हे माता रानी, हमारे बच्चों की शादी की रक्षा करना, उनकी शादी टूटने ना पाए। तुम उदास मत हो, तुम जो कहोगे हम सब करने को तैयार हैं। चाहते हैं हम तुम्हें बचपन से। शिवांश, आप वीडियो देख के उससे लड़ने चले गए थे, अगर ये फूल आप देखते तो उसे तो जान से ही मार देते। आपके दिए हर दर्द का हिसाब करेंगे हम, सूद समेत लौटाएंगे आपको बेबी जी, सूद समेत। दुख में पी रहे हो या संगीत की खुशी में? छोड़ो, एक खुशखबरी है, तुम अपने पापा से बहुत प्यार करते थे ना, इतना प्यार कि उनकी मौत का बदला लेने के लिए श्रवणी से शादी कर बैठे। लेकिन ये तो साबित हो गया था ना
कि शरवनी के बाबा ने हमारे पापा को नहीं मारा है, वो उनकी गोली से नहीं मरे थे, उस दिन किसी और ने भी गोली चलाई थी। तो जानना नहीं चाहोगे कौन था? कोई और नहीं, तुम्हारी माँ थी। ये क्या कर डाला मम्मी ने, खुद ही बता दिया। माँ क्या बकरी आप? आज खुद वसुधा जी गई थी पुलिस स्टेशन अपना बयान देने, खुद गुनाह कबूल करने। पुलिस के आगे क्या? क्या नहीं, क्यों? इतने सालों से आपकी माँ चुप थी, पर आज ही क्यों? ऐसी कौन सी आफत आनी पड़ी थी कि उन्हें आज ही जाना था? और बताए का है? क्योंकि वो चाहती है कि आपकी शादी टूट जाए हमारी बेटी के साथ। वो चाहती है कि आप अपने पापा की मौत के झंझट में फिर उलझे गोल 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 और आपका शादी से दिमाग हट जाए। वो भी आपकी नहीं लेकिन वसुधा जी की प्यारी लाडली बहू श्रवणी के कहने पर। जाने की तैयारी है? हम कहीं, हम बताते हैं अम्मा। वो क्या है ना, अब इनका पर्दा फाश हो चुका है। ताहिर जी की आताश कभी गई नहीं थी, आज तक सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही थी। आज आप सब कुछ सच बताएंगी वरना हम क्या कर बैठेंगे ये हमें भी नहीं पता। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।